नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। दीपिका पादुकोण ने बीते साल के आखिरी में रणवीर सिंह के साथ शादी रचाई थी, जिसके बाद हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर पद्मावत के बाद अगली फिल्म दीपिका की कौन सी होगी। बहरहाल इंतजार खत्म हो चुका है और दीपिका ने खुलासा किया था कि मेघना गुलजार के साथ एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित फिल्म छपाक शुरू करने जा रही है। फिल्म की शूटिंग होली के मौके पर दिल्ली में शुरू हुई थी, जिसके सेट से लगातार तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे थे और हाल ही में दीपिका का छपाक लुक भी सबके सामने आया था। बहरहाल दीपिका और विक्रांत मैसी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी किस करते हुए नजर आ रहे हैं। असल में दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी छपाक के सीन की शूटिंग घर की छत पर कर रहे थे, जहां पर किसी ने इनको अपने मोबाइल में शूट कर लिया। बस फिर क्या था, जिस इंसान ने इस सीन को शूट किया उसने ही सोशल मीडिया पर इसे रिलीज कर दिया, जिसके बाद ये वायरल हो गया। शूट करने वाले इंसान ने ये भी कहा कि ये बच्चों को मत दिखाना। अक्सर देखा जाता है शादी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस फिल्म में नो किसिंग पॉलिसी फॉलो करने लगती है, लेकिन छपाक के सीन से साफ हो गया कि दीपिका ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करती और रणवीर सिंह को भी उनके ऐसे सीन से कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल दीपिका का पूरा फोकस छपाक पर है, क्योंकि छपाक उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। बात अगर छपाक की करें तो ये जनवरी 2020 में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए दीपिका जी तोड़ से मेहनत कर रही है। वहीं जब छपाक से दीपिका का लुक भी हाल ही में जब रिलीज हुआ था तो फैंस ने उनके लुक को काफी पसंद किया था। इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण के लुक की काफी ज्यादा तारीफें भी की थी। बहरहाल देखना ये होगा कि दीपिका और विक्रांत मैसी के किसिंग सीन पर अब रणवीर क्या रिएक्शन देते हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।